हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज, हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्या चीज नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दोगुना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसको क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले एक बार इसको मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, तो नोटबुक का कॉस्ट मान लेंगे, मान लो इसको एक्स। क्या चीज मान लिए, एक्स। और उसके बाद क्या चाहिए हमारा, कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भाई। अब बताओ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट क्या चाहिए कि नोटबुक का जो हमारा क्या चाहिए कॉस्ट है, यानी इसका जो कॉस्ट है इसके कॉस्ट से क्या चाहिए दुगना है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पेन के कॉस्ट से दुगना यानी 2y हो जाएगा, यही ना। अब देखो यही स्टेटमेंट को क्या चाहिए हमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म का होता है, देखो यही ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म का। चलो इसको कन्वर्ट करने तो बताया था पिछले लेक्चर में। देखो सिंपल क्या करते हैं, तो देखो x बराबर 2y है, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y इक्वल टू जीरो। देखो ax प्लस by और यहाँ पर c जीरो हो जाएगा, ठीक। यानी ये क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म का हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या चाहिए, सिंपल था। सबसे पहले क्या किए, तो नोटबुक का कॉस्ट मान लिए x और पेन का कॉस्ट मान लिए y। और फिर क्या चाहिए, स्टेटमेंट ये था कि क्या चाहिए, जो हमारा नोटबुक का कॉस्ट है वो क्या चाहिए पेन के कॉस्ट से दुगना है, यानी x बराबर 2y। और इसको फाइनली क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दी, यानी x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कंप्लीट। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। यानी क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उनको क्या चाहिए ax प्लस by प्लस c के c इक्वल टू जीरो के फॉर्म में क्या चाहिए करना है, एक्सप्रेस करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और ए बी और सी का वैल्यू बताना है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 ऊपर बार। देखो सबसे पहले इसको क्या चाहिए, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2x प्लस 3y माइनस क्या हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू जीरो। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो का फॉर्म का हो गया। अब क्या चाहिए, a b और c का वैल्यू बताना है, बताओ सो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर x का कोएफिशिएंट यानी 2, b बराबर क्या हो जाएगा, तो y का कोएफिशिएंट यानी 3, और c बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारा कांस्टेंट है यानी -9.35 के ऊपर बार। यही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको क्या चाहिए, सबसे पहले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म में क्या चाहिए एक्सप्रेस करना था, और उसके बाद a b और c का वैल्यू बताना था, कंप्लीट। अब सेकेंड है, x माइनस y by 5 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। सबसे पहले देखो ये क्या चाहिए, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, सिंपल। इसमें क्या करें, तो सिंपल हम a b और c का वैल्यू बता देंगे, क्योंकि क्या चाहिए, इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही है। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट यानी 1 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -1/5। देखो -1/5 क्यों, देखो -y/5 है, इसको हम क्या -1/5 गुने y लिख सकते हैं ना, यानी -1/5 हो जाएगा b बराबर, और c बराबर हमारा हो जाएगा -10। किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब थर्ड, -2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, चलो लिखते हैं, यानी -2x प्लस 3y, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यानी जीरो हो जाएगा। अब इस फॉर्म का हो गया, अब a b और c का वैल्यू बताना है, इसलिए सो a बराबर क्या हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट यानी -2, b बराबर 3 हो जाएगा, और c बराबर -6। ये क्या हो गया हमारा आंसर, किसी को डाउट नहीं ना, सिंपल था। इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद a b और c का वैल्यू बता देना है, ठीक। अब इसी का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4, 5, 6। तो 4 नंबर क्या चाहिए, x बराबर 3y, जिसको क्या चाहिए पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, चलो लिखते हैं। तो x हो जाएगा इधर प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है यानी इधर जीरो। अब a b और c का वैल्यू बताना है, तो सबसे बताओ यहाँ पर a के आचे हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा x का कोएफिशिएंट यानी 1, b बराबर -3, और c बराबर कुछ नहीं यानी 0, ठीक। किसी को डाउट। अब
2x इक्वल टू माइनस 5y। इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 2x प्लस 5y क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और अब क्या चाहिए, a b और c का वैल्यू बताना है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा था x का कोएफिशिएंट 2, b बराबर 5 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0। किसी को डाउट नहीं ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 3x + 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको क्या चाहिए, सबसे पहले ax + by + c के फॉर्म में लिखते हैं। तो x देखो 3x यहां पर 0y हो जाएगा और प्लस 2, देखो इस फॉर्म का हो गया। अब क्या करेंगे, तो सिंपल a का वैल्यू बताएंगे, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। सिंपल इस सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद a b और c का वैल्यू बताना है। इसमें देखा कि क्या चाहिए, हमारा जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू नहीं पता था तो क्या चाहिए, जीरो कर दिया। और इसमें क्या चाहिए, वाई वाला का वैल्यू पता नहीं, वैल्यू नहीं था कुछ दिया हुआ तो जीरो कर दिए, ठीक। अब इसी का क्या चाहिए, 7x भी देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू x हो जाएगा क्योंकि x का कुछ नहीं है, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हमारा 0 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा तो 1 होगा और c बराबर माइनस 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। लास्ट 5 इक्वल टू 2x, तो इसको क्या चाहिए, इधर लाएंगे यानी क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और क्या चाहिए, अभी इस फॉर्म में है नहीं ना, तो कन्वर्ट करते हैं, यानी सबसे पहले क्या चाहिए हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो प्लस 0 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो ए बी और सी का वैल्यू बता देना है, ए यानी माइनस 2 हो गया, बी क्या चाहिए हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सी बराबर 5, ठीक। किसको डाउट नहीं ना। सिंपल जो क्वेश्चन दिया गया था उसको कैसे ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था और उसके बाद a b और c का वैल्यू पता करना था। इसमें क्या चाहिए, देखिए x का कुछ नहीं है तो x बराबर 0 ले लिए, यहां पर b 1 ले लिए और c बराबर माइनस 2। यहां भी क्या चाहिए, हम देखेंगे क्या चाहिए, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, y 0 है, इसलिए क्या चाहिए यहां पर b बराबर 0 हो गया। तो यहां पर क्या चाहिए, एक्सरसाइज 4.1 का दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और किसी को कोई डाउट है तो क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, थैंक यू।